ज्योग्राफी का, वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अर्थ और सोलर सिस्टम के रिलेशनशिप के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड और अर्थ से रिलेटेड। तो देखिए, हमारा जो पहला पैराग्राफ शुरू किया गया है, तो पहला पैराग्राफ एक तरह से इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, तो आप चाहें तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं पढ़ना, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई अंडर द सनसेट, यानी जब रात होता है सूरज ढलने के बाद आसमान को देखना कितना वंडरफुल होता है, कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, यानी जब जैसे जैसे सनसेट होता है, यानी जैसे जैसे सूरज ढलता है, तो कोई व्यक्ति शुरुआत में नोटिस करेगा कि वहाँ पर एक दो डॉट्स आ चुके हैं आसमान में, यानी एक दो तारे हमें दिख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो संख्या है, यानी तारों की संख्या आसमान में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, यानी डॉट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा अंधेरा होने के बाद जो पूरा आसमान है वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर चुका होता है, जिसमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, समर ब्राइट्स एंड अदर्स आर डीम, और कुछ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीम होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जो आसमान है उसे स्टड कर दिया गया है डायमंड से, यानी कि डायमंड्स उसमें पूरी तरह से बिछा दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं, और इसमें जो जितने सारे तारे हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। यानी यहाँ पर कहता है कि देखिए, जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से कुछ जो हैं ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो हैं ट्विंकल नहीं कर रहे हैं जैसा कि कुछ कर रहे हैं। तो वो जो होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं वो सिंपली ग्लो करते हैं बिना किसी फ्लिकर के, जैसे कि मून शाइन करता है। देखिए, आप मून को देखते हैं तो वो किसी तरह का ट्विंकलिंग नहीं करता, वो सिर्फ शाइन करता है। तो वही चीज़ होता है इन टीम तारों के साथ भी, जो तारे उतने ब्राइट नहीं होते। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो पारा शुरू होता है, हमारा मेन कंटेंट शुरू होता है, और यहाँ से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, यानी ज़्यादातर दिनों आप इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा चांद को भी देखते होंगे आसमान में। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस। तो आप ध्यान देते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि जो मून है वो अलग अलग समय पर दिखता है, अलग अलग शेप में दिखता है, अलग अलग पोजिशन में दिखता है, अलग अलग दिनों पर। तो आप कई बार फुल मून देखते होंगे, कई बार मतलब मंथ में एक बार आप फुल मून देखते हैं, और इसे कहा जाता है फुल मून, या फिर हम हिंदी में इसे पूर्णिमा कहते हैं, यानी जब पूरा चांद गोला होकर हमारे सामने आता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं, और हिंदी में उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो उतना बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, कुछ दिनों बाद आप इसे पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। और ये जो रात होता है, जिस रात को हमें चांद नहीं दिखता है, उस रात को न्यू मून कहा जाता है, न्यू मून नाइट, यानी कि उस दिन न्यू मून होता है, या फिर हिंदी में हम उसे अमावस्या कहते हैं, अमावस्या। तो ये वर्ड आप लगातार सुनते होंगे अपने घर में, अपने आसपास, अपने लोगों के पास, कि आज अमावस्या है या फिर दो दिनों बाद अमावस्या है। तो अमावस्या वही रात होती है जिस दिन चांद हमारे सामने नहीं आता है, अमावस्या। अब आपको शायद दिख रहा होगा, उस समय नहीं दिख रहा था। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, यानी जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन चांद नहीं होता, यानी किसी भी तरह की लाइटनिंग नहीं होती है, उस दिन आप चाहे तो तारों को देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि जो मून का लाइट है वो अफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर एक बात आपसे पूछा गया है, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एट एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आपने कभी ये सोचा है कि जो तारे होते हैं, चांद होता है, उनको आप डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका रीज़न यह है कि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन
does not allow us to see the all these bright objects of the night sky. तो देखिए जो सूरज होता है उसका लाइट जो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है और वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हम ये जो डीम ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारे तारे हो गए या फिर चांद हो गए उसको हम देख सकें। तो इसी वजह से हम नहीं देख पाते हैं चांद को दिन के समय में, चांद को या फिर तारों को। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष में आप जितने भी चीज़ें देखते हैं जैसे कि आपका सूरज हो गया, चांद हो गया, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी और दूसरे जितने भी ग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में तैर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको आगे मिलेंगे। तो देखिए इस नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसों से मिलकर बने होते हैं, उनके उनके पास अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। और ये जो लाइट होते हैं और ये जो हीट होता है ये बहुत ही लार्ज संख्या में उनके पास होता है और वो एमिट करते हैं। तो दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो यहाँ देखिए एक और पॉइंट आया कि स्टार्स, या तो आखिर ये स्टार क्या होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया सन इज अ स्टार। तो देखिए स्टार एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी होता है जो कि अंतरिक्ष में तैरता है, आपने अभी देखा सेलेस्टियल बॉडी का डेफिनेशन। तो ये एक तरह का बिग और हॉट सेलेस्टियल बॉडी होता है और ये गैसों से मिलकर बना हुआ होता है, इनके पास अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट को जनरेट करते हैं और छोड़ते हैं और इन्हीं बॉडीज को कहा जाता है स्टार्स। तो देखिए एक तरह से यहाँ पर आप समझ गए कि स्टार्स क्या होते हैं। और एग्जाम्पल में सन जो हम रोज देखते हैं अपने डे टाइम में, और सन एक तरह का स्टार है। तो इसके बाद नेक्स्ट पारा हमारा है काउंटलेस। Twinkling stars in the night sky are similar to the sun. तो देखिए रात में जितने भी आप stars देखते हैं जो कि आपको dots की तरह दिखते हैं वो बिल्कुल ही आपके सूरज के similar हैं, लेकिन उनका heat या फिर उनका light हम feel नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो हमारे हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हैं, इस वजह से उनका heat या फिर उनका light हम तक नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, अगर आप क्लासिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस एक्सपेरिमेंट को भी ट्राई कर सकते हैं और इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो खुद पढ़कर इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पारा की ओर। नेक्स्ट पारा में यहाँ देखिए एक फोटो दिया गया, इस फोटो को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने पारा को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर आप उन्हें दूर से देखें बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर से तो वो बहुत ही स्मॉलर दिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एरोप्लेन को देखें तो वो बहुत ही छोटा आपको दिखता है क्योंकि आप उसे बहुत दूर से देखते हैं, या फिर आप दूर से अगर किसी पहाड़ को भी देखें तो वो आपको लगेगा कि बहुत ही छोटा सा है। तो उसका रीज़न ये है कि वो आपसे बहुत ही दूर है। यही सिमिलर चीज़ होती है हमारे तारों के साथ भी, स्टार्स के साथ भी, क्योंकि स्टार्स को हम बहुत ही ज़्यादा दूरी से देखते हैं, इस वजह से स्टार्स हमें काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आखिर हमें स्टार्स इतने छोटे की दिखते हैं और उनके हीट को हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नाइट स्काई, यानी नाइट रातों में जब हम स्काई को देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स से, यानी स्टार्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनसे कई तरह के पैटर्न्स बनते हैं। इन पैटर्न्स को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेज में जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इमेज में ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है और आपने रातों में कई बार देखा होगा इस स्ट्रक्चर को भी। तो देखिए ये कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने पीछे स्टार को डिस्कस किया और भी दूसरे चीज़ों को डिस्कस किया, कॉन्स्टेलेशन बिल्कुल उसी तरह के सिमिलर है। कॉन्स्टेलेशन देखिए
एक तरह का पैटर्न होता है ये, या फिर एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स से, यानी कई तारों का समूह एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कि हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसके बाद उर्सा मेजर और बिग बियर इज द वन सच कॉन्स्टेलेशन। तो देखिए, उर्सा मेजर का आपने नाम सुना होगा या फिर बिग बियर का आपने नाम सुना होगा, वो एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि, तो यहाँ पर ये जो फोटो दी गई है ये सप्तऋषि की तस्वीर दी गई है। तो ये जो देखिए स्ट्रक्चर है, इसको आपने रातों में देखा भी होगा और आप पहचानते भी होंगे और जानते होंगे कि सप्तऋषि इसे कहा जाता है। तो देखिए, ये जो है ये सेवन स्टार्स का एक ग्रुप है और जो कि फॉर्म करता है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने घर में या फिर अपने परिवार में किसी बड़े से पूछ सकते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ये क्या होता है। और आप ये भी कह सकते हैं अपने फैमिली के किसी मेंबर को या फिर नेबरहुड के किसी मेंबर को कि आपको वो ज़्यादा स्टार्स दिखाए, उनके बारे में बताएं, प्लैनेट्स के बारे में बताएं या फिर कॉन्स्टेलेशंस के बारे में बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो देखिए, पुराने ज़माने में यानी कि करीब आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, हजारों साल पहले जो लोग होते थे वो तारों का यूज़ करते थे, स्टार्स का यूज़ करके डायरेक्शन को तय करते थे नाइट में इधर उधर कहीं मूव करने के लिए। तो देखिए, नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखिए, नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो देखिए, नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। अगर आप रात में देखेंगे तो आपको नॉर्थ स्टार दिखेगा और इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि आखिर ये पोल स्टार क्या होता है। तो पोल स्टार यानी कि नॉर्थ स्टार होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में हमें दिखता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। तो ये देखिए, ये जो पोल स्टार होता है ये हमेशा सेम पोजिशन में होता है, सेम प्लेस पर होता है, इसीलिए हम इसे पोल स्टार भी कहते हैं। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। देखिए, जैसा कि आपको इस इमेज में बताया गया है कि आप नॉर्थ पोल को आसानी से लोकेट कर सकते हैं इस सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन का यूज़ करके। तो इस तरह से जो पॉइंटर बताया गया है, इन दोनों तारों को मिलाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्थ स्टार देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप रात में चाहें तो देख सकते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो देखिए, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं उनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, वो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के हीट और लाइट से गर्म होते हैं या फिर चमकते हैं और इसके लिए वो यूज़ करते हैं स्टार्स के हीट और लाइट को। तो इस तरह के सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है प्लैनेट। तो देखिए, हमारा अर्थ भी एक तरह का प्लैनेट है, वो खुद को गर्म करने के लिए या फिर शाइन करने के लिए सन के लाइट या फिर हीट को यूज़ करता है। तो प्लैनेट क्या होता है ये आप समझ गए डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। प्लैनेटाई एक तरह का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वांडरर, इसका मीनिंग होता है। आप तो जानते ही होंगे कि अर्थ ही वो प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं और इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अर्थ जो है वो अपने सारे लाइट और हीट सन से पाता है जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। अगर हम अर्थ को देखें बहुत ही दूरी से, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मून से देखते हैं, मून पर खड़े होकर अर्थ को देखते हैं तो ये बिल्कुल ही शाइनिंग हमें दिखेगा जैसा कि हमें चांद दिखता है अर्थ पर से। तो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। तो देखिए, जो चांद यानी मून जो है वो एक तरह का सैटेलाइट है, हमारा अर्थ का सैटेलाइट है और इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो देखिए, जो चांद है वो हमेशा हमारे अर्थ के साथ रहता है और वो उसके चारों ओर घूमता है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से हम 8 और प्लैनेट्स हैं जो कि हीट और लाइट पाते हैं सन से
और उसमें से कुछ के मून्स भी हैं और काफी ज्यादा संख्या में हैं। 8 इस तरह के प्लैनेट हैं जो कि हीट और लाइट पाते हैं सन से, इसमें से कुछ के मून्स भी हैं। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 10 सोलर सिस्टम। तो देखिए ये जो पार्ट ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा 10 सोलर सिस्टम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं, चैनल पर आपको प्ले